कि एरोमेटिसिटी aromatic, क्या है इसको डिफाइन कीजिए अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं आपको इसके लिए एक, एक चीज याद रखना पड़ेगा कि बेंजीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है तो बेंजीन से ही ये डेफिनेशन बनेगा बेंजीन इज द एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ फॉर फार एक्सीलेंस रिलेटिवली फ्यू कंपाउंड पोसिस बेंजिन लाइक प्रॉपर्टीज़ सो बेंजिन जो एक एरोमेटिक कंपाउंड है बहुत ही जो है बहुत ही ज्यादा उसमें जो है एरोमेटिक कंपाउंड के गुण पाए जाते हैं बेंजिन मतलब एक कंप्लीट एरोमेटिक कंपाउंड है तो कुछ अलग कंपाउंड्स भी जब बेंजीन की तरह प्रॉपर्टीज प्रदर्शित करते हैं तो ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड जो है जो कि बेंजीन की तरह जो केमिकल बिहेवियर्स है उसको भी रिसेंबल करते हैं तो वे जो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं और यह जो है प्रक्रिया नहीं एक्चुअली ये जो है एरोमेटिसिटी का डेफिनेशन है ठीक है तो इस प्रकार ये डेफिनेशन आप दे सकते हैं और ये जो है आप ये बेंजिन का एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं बेंजिंग एक एरोमेटिक कंपाउंड है अब इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है एरोमेटिसिटी में प्रॉपर्टीज इसके प्रॉपर्टीज

Invisible uh, with water as they are often unreactive, they are useful as solvent for other non.

उंडली स्टेबल बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू लो हिट ऑफ हाइड्रोजी हाइड्रोजी के प्रोसेस में लो हिट के कारण जो होते हैं है, स्टेबल होते हैं जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ सीस टू ब्यूटे साइक्लोहेक्ट इज माइनस ट्वेंटी मोल जो है हमारा सीज टू ब्यूटेन साइक्लोहेक्न जिस साइक्लोहेक्सेन का ये स्ट्रक्चर है जब इसको हमें कराते हैं इसका हाइड्रोजिनेशन होता है तो इसका जो हमको जो है माइनस ट्वेंटी मोल ऊर्जा प्राप्त होता है इसके हाइड्रोजिनेशन से उसी प्रकार जब हम बेंजिन ये जो हमने लिया था ये जो है सॉरी एक 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 एरो, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है अब यहां का एक्साम्पल लेते हैं बेंजिन जो हमारा जो है एरोमेटिक कंपाउंड है सो बेंजिन का हाइड्रोजीनेस करते हैं तो हमको जो है -49.3 किलो कैलोरी मोल प्राप्त होता है ऊर्जा इसी कारण जो है ये ज्यादा स्टेबल होते हैं अब इसका जो है हम एक कैलकुलेटेड वैल्यू देखेंगे जैसे कि यहाँ पे आप आ, देखेंगे ये साइक्लोहेक्सेन को जब हम हाइड्रोजनेशंस कराते हैं तो 28.6 किलो कैलोरी किलो मोल प्राप्त होता है तो यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड एक बॉन्ड है ठीक है तो एक बॉन्ड का हाइड्रोजनेशंस हुआ तो हमको 28.6 किलो कैलोरी किलो मोल ऊर्जा प्राप्त हुआ लेकिन इसी तो कैलकुलेटेड वैल्यू में एक पाई पाई बॉन्ड टूटा तो हम uh, एक पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन हुआ तो हमको ये ऊर्जा प्राप्त हुआ तो उसी प्रकार यहाँ पे बेंजीन में तीन पाई बॉन्ड है तो तीन पाई बॉन्ड जब टूटते तो हमको जो है ऑलमोस्ट कैलकुलेटेड वैल्यू में एटी पॉइंट एट किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होता लेकिन ऐसा नहीं है बेंजिन के डिहाइड्रोजिनेशन में हमको सिर्फ माइनस फोर्टी नाइन पॉइंट थ्री किलो कैलोरी मोल ऊर्जा प्राप्त होता है इसी कारण ये कम तो इसके लो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के कारण जो है बेंजिन ज्यादा स्टेबल होता है तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं सो तो ये इसका डेफिनेशन और बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी सेमेस्टर एग्जाम के लिए यूजफुल है आप इसको याद कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहे हैं तो आप लिख सकते हैं अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एरोमेटिसिटी के लिए यहां से जो है आपको

ये जो होगा साइक्लिक नेचर होगा इसका इट मस्ट हैव फुली कॉन्जुगेशन फुली कॉन्जुगेटेड मीन्स मतलब मैंने बताया था कि uh, जो अल्टरनेटिव पोजिशन में होते हैं और सिग्मा बॉन्ड इट मस्ट हैव अ प्लेनर ठीक है ये प्लानर होना चाहिए ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्राइटेरिया uh, है एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हकल रूल्स ये हकल रूल इंडिविजुअल क्वेश्चंस के रूप में भी आपके सेमेस्टर uh, में आ सकता है तो व्हाट इज हकल रूल हकल रूल इज यूज्ड इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द एरोमेटिक क्वालिटीज ऑफ एनी प्लानर रिंग सेप्ड मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस प्रकार इसका डेफिनेशन दे सकते हैं सो हकल रूल्स जो है एरोमेटिक uh, जो है क्वालिटीज को पहचानने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है इसका फार्मूला है फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन माइनस जहां पे एन बराबर जीरो वन टू थ्री फोर हो सकता है तो यहां पे अगर हम एन बराबर इस फार्मूला में एन के जगह जीरो लेते हैं तो हमको टू पाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं एन के जगह जीरो लेंगे तो जीरो हो जाएगा टू पाई इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार एक लेंगे तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन दो लेंगे तो टेन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक लेते हैं तो चार एक चार प्लस दो छह पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे दो लेते हैं तो चार दुनिया आठ प्लस दो आ, दस दस इलेक्ट्रॉन इस प्रकार ये होगा एंड की जगह ये ले सकते हैं तो ये जो है बेसिक फॉर्मूला है और ये बेसिक क्राइटेरियाज है अब यहां पे मैं कुछ एरोमेटिक्स कंपाउंड के जो है मैंने एग्जांपल्स लिए हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्राइटेरिया ये फॉलो करते हैं या नहीं ठीक है हमारा एरोमेटिक कम्पाउंड का पहला एग्जाम्पल है नेपथेलिन ये हमारा नेपथेलिन का एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल है तो नेपथेलिन जो है एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये इसमें हर एक क्राइटेरिया को देखते हैं पहला ये कॉन्जुगेटेड है एक है, पाई है सिग्मा है पाई है सिग्मा है पाई है पाई सिग्मा है। ये भी फॉलो कर रहे हैं ये जो है प्लानर है ठीक है ये प्लानर इसका एक क्राइटेरिया प्लानर है ये भी फॉलो कर रहे है और ये जो हकल रूल है ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं ये चेक करने के लिए आपको ये करना है कि दो चार पांच छह सात आठ नौ दस दस पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है दस पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अब इनमें से कोई एक जैसे कि दस पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये दस पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस फॉर्मूला में अगर हम एन के जगह दो रख रहे हैं तो दस पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है मतलब ये हकल रूल्स को भी फॉलो कर रहा है तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है ठीक है अब यहाँ पे ये दो क्या है एन बराबर दो जो है दो रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है ये बताया उसके बाद ये फ्यूरेन का भी एक एग्जाम्पल है जिसमें दो चार ठीक है दो चार और ये जो है यहाँ पे दो होगा तो यहाँ पे जो है एक लोन पेयर है इसलिए यहाँ आ, यहाँ पे जो है हमारा दो यहाँ पे काउंट करेंगे तो दो चार सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन होगा सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन भी हमारे हकल सरूल को फॉलो करता है ये भी साइक्लिक है प्लानर है कॉन्जुगेटेड है उसी प्रकार यहाँ पे आ, आ, Iridine भी जो है ये सारे क्राइटेरिया फॉलो करता है दो चार पांच पे दो चार्ज है यहां पे दो चार्ज है आप ये चेक कर सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है सॉल्व कीजिए आपको ये बहुत ही इजिली बन जाएगा ये तो ये, ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है हकल सूल बहुत इंपॉर्टेंट है हकल सूल से ही बनेगा फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स अगर करेंगे तो आपको ये जो है आ, और इजिली इजी हो जाएगा आई होप कि आपको समझ में आया होगा अब ये तो एरोमेटिक कंपाउंड हमने पहचान लिया अब इसके अलावा जो है हमारा एक आ, जो इस, आ, इसके अलावा जो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंडस और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने के लिए भी एग्जामिनेशन में आते हैं सो एंटी एरोमेटिक्स कंपाउंड क्या होगा ये भी वही जो है उनका जो क्राइटेरिया होगा वही होगा बस इसमें डिफरेंस ये फोर एंड पाई पाई इलेक्ट्रॉन माइनस है ये भी साइक्लिक होंगे कॉन्जुगेट होंगे प्लेनर होंगे लेकिन इनका ये जो हकल्स रूल को जो है फॉलो नहीं करेंगे ये फोर एंड पाई इलेक्ट्रॉन माइनस रूल को फॉलो करें फॉर्मूला लगेगा इसमें जहां पर एन बराबर वन टू थ्री फोर हम रख सकते हैं अगर एन की जगह एक रखेंगे तो फोर

चार पांच इलेक्ट्रॉन के लिए एंटी एरोमेटिक होगा ये ट्वेल्व एग्जांपल है दो चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे जो है ये सेम होगा बारह इलेक्ट्रॉन है मतलब ये एंटी एरोमेटिक होगा ठीक है उसी प्रकार अगर इसकी जगह दस इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन होते तो ये एरोमेटिक होता उसी प्रकार ये एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं इन बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप सॉल्व भी कर सकते हैं जिससे आपको ये ज्यादा ईजी हो जाएगा ये एक ट्रिक आ, मैंने आ, ट्रिक नहीं है ये आप चीज याद रखेंगे ज़, ज़, अगर कोई कंपाउंड है अगर उसके जो है यहाँ पे प्लस है तो ये जो है एरोमेटिक होगा अगर यहाँ पे माइनस आता है तो ये एंटी एरोमेटिक्स होंगे अगर यहाँ पे कोई भी फ्री रेडिकल्स अगर आते हैं इसके यहाँ पे तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे ये आपको चीजें कुछ चीजें याद रखना है तो ये एंटी एरोमेटिक आप पहचान सकते हैं फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन माइनस ये वाला फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इज वेरी सिंपल आप दोनों से निकाल के देखेंगे अगर आपको कोई कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है ना नॉन एंटी एरोमेटिक है तो नॉन एरोमेटिक होगा मतलब ये कोई भी फॉर्मूला जो है कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है ये साइक्लिक नहीं होते हैं नॉन प्लेनर होते हैं मतलब एंटी एरोमेटिक्स और आ, एरोमेटिक्स दोनों नहीं होंगे तो नॉन एरोमेटिक्स ही होंगे जैसे कि ये हमारा एक एग्जाम्पल से डाइंस का तो ये जो है हमारा खुला है तो ये नॉन एरोमेटिक है साइक्लिक वाइकिल कुछ नहीं है तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का एक एग्जाम्पल है तो इस प्रकार आप एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक्स जो है पहचान सकते हैं ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपके सी एस आई नेट एग्जामिनेशन में भी काम आता है लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है सोल्व करने पड़ेंगे एग्जाम्पल जो है सोल्व करने पड़ेंगे तो यही है इस टॉपिक का एनालिसिस इस प्रकार आप जो है इसका ये सेमेस्टर एग्जाम में अगर अब क्या आता है तो ये लिख सकते हैं और आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आ, तो बस यही था इस टॉपिक का एनालिसिस इसके अलावा एक चीज पीडीएफ के बारे में आपको बता दूं कि अगर आप को एमएससी सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा आप वहां से जाके इन अ लो प्राइस ले सकते हैं सारे हैंडमेड नोट्स हैं एमएससी सभी सेमेस्टर से रिलेटेड नोट्स हैं आ, आपको जिस भी यूनिट्स का जिस सब्जेक्ट का चाहिए आप वहाँ से टॉपिक मैच करके ले सकते हैं और आ, बस यही था इस टॉपिक का एनालिसिस आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपके लिए ये यूजफुल भी हुआ होगा अगर यूजफुल है तो प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए प्लीज सपोर्ट कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग